एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2024 के तमाम एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बना रहे हैं, वहीं एक ऐसा पोल भी आया है जो ठीक इसके उलट और कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात भी कही जा रही है। इस पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। इस एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। इंडिया गठबंधन 260 से 290 सीटें हासिल कर सकता है, यानी इंडिया गठबंधन गिरते पड़ते केंद्र में सरकार बना लेता है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। इंडिया गठबंधन 260 से 290 सीटें हासिल कर सकता है। दरअसल यह पोल डीबी लाइव का है। इस एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। डीबी लाइव ने अपने अनुमान में दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 260 से 290 सीटें हासिल कर सकता है, यानी इंडिया गठबंधन गिरते पड़ते केंद्र में सरकार बना लेगा। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को शानदार प्रदर्शन करने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि इंडिया गठबंधन को 32 से 34 सीटें मिल सकती है, वहीं एनडीए गठबंधन को 40-48 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। डीवी लाइव के एग्जिट पोल में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की जीत का अनुमान जताया गया है। साथ ही डीवी लाइव में एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में भी इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा अनुमान है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बिहार में 24-26 सीटें जीत सकता है। वहीं बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रालोमा और हम दलों वाला एनडीए गठबंधन को महज 14 से 16 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है।